इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं आटे और सूजी का ठेकुआ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक कटोरी आटा लिया है, आधा कटोरी सूजी ली है, आधा कटोरी चीनी लिया है, इसे आप अपनी मिठास के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है और एक चम्मच सौंफ लिया है। अब सबसे पहले हम एक बर्तन में आटे को डालेंगे, फिर हम इसमें सूजी मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें 2 बड़ा चम्मच घी डालेंगे, फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे, कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे और सौंफ डाल देंगे। फिर से हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे। इस तरीके से हम दोनों हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम ठेकुआ बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम हाथों में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। फिर हमने ये ठेकुआ का साँचा लिया है, इस पे हम मिक्सचर को रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। ये देखिए, हमारा एक ठेकुआ बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी ठेकुआ को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने सभी ठेकुआ को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के लिए हमने रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें एक एक करके ठेकुआ को डालेंगे और इसे धीमे आंच पे एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये देखिए, ठेकुआ जो है वो एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारा ठेकुआ अब दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से बाकी ठेकुआ को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने सभी ठेकुआ को बनाकर तैयार कर लिया है। आटे और सूजी के ठेकुआ को बनाना बहुत ही आसान है। इसे आप छठ पूजा के प्रसाद में बना सकते हैं या फिर ऐसे भी कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इसे आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।